सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क इन चार राशि वाले जितने भी लोग हैं उनको उन्नति के लिए साल 2019 में कौन से वैदिक उपाय करने चाहिए, लाल किताब के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। सारे उपाय जो लाल किताब में ये दिए गए हैं वो आपकी राशि पर आधारित है, इसलिए अगर आप इनका पालन कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इससे सारी परिस्थितियां नए साल में आपके अनुकूल रहने की पूरी संभावनाएं हैं। सबसे पहले उपाय मैं बता रहा हूँ मेष राशि और वृषभ राशि के जातकों के लिए, दोनों के लिए लगभग सामान्य उपाय ही है। मेष और वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं वो किसी भी चीज़ किसी से भी मुफ्त में ना लें, जो भी आप ले रहे हो उसका दाम आप अवश्य चुकाएं। अब जिस भी चीज़ों का प्रयोग करें नए साल में, रुमाल का, कपड़े का, कोई भी चीज़ हो जो आपके लिए ज़रूरी हो सके तो लाल रंग का ही आप प्रयोग करें, इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। साधु, संत, गुरु और अपनी माँ की सेवा करें। गलती से भी इस साल में आप साधु या तो संतों का अपमान ना करें, ना तो आप उनका मजाक उड़ाएं। सदा आप लोगों को सदाचार का पालन करना पड़ेगा अगर आपको कर्म का सुफल चाहिए। विधवाओं की सेवा करने से आपको बहुत ही लाभ होगा, उनके आशीर्वाद से आपको बहुत ही लाभ होगा, तो हो सके तो उनके लिए आप कुछ ना कुछ अवश्य करें। मीठी रोटी गाय को खिलाने से भी आपको बहुत ही लाभ होगा जितने भी मेष और वृषभ राशि के जातक हैं। अभी मैं मिथुन राशि के जितने जातक हैं उनके लिए बता रहा हूँ। मिथुन राशि के जातक साल 2019 में हो सके तो तामसिक भोजन का आप त्याग कर दें। अगर आप नॉनवेज खाते हो, अगर आप छोड़ नहीं सकते तो शुभ तिथियों पर इसको कभी भी ना खाएं। हो सके तो तामसिक भोजन खाए ही नहीं आप। अगर आपके घर में मछलियां है मिथुन राशि के जातक, या तो आप एक्वेरियम रखते हैं तो मछलियों को आप मुक्त कर दें, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे दोष लगने की संभावनाएँ हैं। मछलियां है अगर आपके घर में तो उसे तुरंत आप मुक्त कर दें। कई रोगी होते हैं, गरीब रोगी जिनको दम और श्वास की बीमारी होती है यानी कि अस्थमा की, उनके लिए हो सके तो आप दवाइयों का प्रबंध करें, उनके लिए सेवा करें, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होगा मिथुन राशि के जातकों के लिए। देवी का पूजन करें, अपनी माता का सम्मान करें, उनकी हर एक आज्ञा का पालन करें। 12 साल से जो छोटी कन्याएं होती है उनकी आप सेवा करें और उनका आशीर्वाद आप प्राप्त करें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। हो सके तब तक आप बेल्ट का प्रयोग ना करें, यानी कि चमड़े से बनी जो भी चीज़ होती है अगर आप उसके बिना नहीं रह पाते, तो अगर आप धर्मस्थान में जाते हैं, किसी भी शुभ कार्य के लिए जाते हैं तो बेल्ट का प्रयोग ना करें, यानी कि बेल्ट आप ना पहने। सूर्य संबंधित उपचार जो भी आप करिए, सूर्य की उपासना से मिथुन राशि के जितने भी जातक है आप लोगों को इस साल बहुत ही लाभ होगा। अभी मैं कर्क राशि के जातकों के लिए बता रहा हूं कि लाल किताब उनके लिए क्या कह रही है, क्या सलाह देती है। अपनी माता से चांदी और चावल ले लें और हमेशा आप उसको अपने पास में रखें। चावल का दान करना भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, या तो दुर्गा से संबंधित किसी भी आप सूत्र या मंत्र का जाप या पाठ कर सकते हैं। कन्यादान में अगर आप सहायता कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगर किसी गरीब की कन्या है उनके लिए आप दान कर सकते हैं, शादी हो रही है वगैरह, तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है जितने भी कर्क राशि के जातक हैं। धार्मिक कार्यों में आप मदद रूप रहिए, जो भी धार्मिक कार्य चल रहे हो आपके आसपास उनमें आप पूरी तरह से अपना सहयोग दें। किसी को भी तीर्थ यात्रा करने अगर कोई जा रहा है तो उसको रोके नहीं। अगर आप धर्मस्थान में जा रहे हो कभी भी, तो हो सके तो नंगे पैर ही आप जाए, इससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। अपनी जो भी आपकी माता है, जो भी बड़े बुजुर्ग है, उनकी आप सेवा करें, उनकी सारवार अगर आप कराओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा जितने भी कर्क राशि के जातक हैं। तो ये सारी मूल चीज़ें हैं जो लाल किताब नए साल 2019 के बारे में बता रही है, जितने भी मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जातक हैं। हो सके तो इन वैदिक नियमों का आप पालन करें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और परिस्थिति आपके अनुकूल रहेगी। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, आप अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू सो मच।